गाइस वेलकम अगेन न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों यार आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, हमारे काशीपुर में गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम सभी दोस्तों ने दोस्त के हम तीन हैं भाई हैं वैसे तो हमने सोचा क्यों ना यार थोड़ा ठंडियों का लुत्फ़ उठाया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं पहले हरिद्वार, हरिद्वार के बाद हम जाएंगे मसूरी, मसूरी के बाद हम जाएंगे ऋषिकेश। अब देखते हैं वो हमारे पास अगर समय बचा तो हम ये जगह कवर करेंगे इस ब्लॉग में। और अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सभी फ़ोटो शूट कर रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे की लोकेशन हमें काफ़ी अच्छी लगी, जो जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये है जसपुर हाईवे जो कनेक्ट करता है हरिद्वार को, यानी ये हरिद्वार बाईपास रोड है। तो यहाँ पे हम रुके कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग की जाए और कुछ फ़ोटो शूट किए जाएँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको हरिद्वार में अभी कैसा माहौल है और देहरादून में कैसा माहौल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चले फिर आ जाओ, आओ बैठो, चल आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चल रहे हैं यार, आ जाओ प्रकाश, चले, देर हो गई बात। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं काफी लंबी यात्रा में, क्योंकि हमारे इलाके में गर्मी का कहर टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। तो हमने सोचा क्यों ना हरिद्वार ऋषिकेश या मसूरी का टूर बनाया जाए। अभी हम फिलहाल निकले हैं घर से और देखें मंजिल में कहाँ पहुँचाती है, और हमारे मित्र और हमारे साथ हैं। तो टंपे जी आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है मुझे, बाकी आगे जाके देखेंगे कैसा होता है। निकल गए घर से यार, भैया मुझे लग रहा है ठीक है भाई लोग, मिलते हैं हरिद्वार। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नजीबाबाद और काफ़ी अच्छी राइड रही, काफ़ी एंजॉय आया हमें इस राइड पे। और काफ़ी अच्छा शहर है नजीबाबाद। तो चलिए आपको दिखाते हैं नजीबाबाद का इस समय का जो माहौल है, यानी अभी 7 बज रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नजीबाबाद दिखाते हैं। ये शुरू करते हैं बिना किसी बच्चे के। पीछे यार नेकर पेकर बड़े मस्त मस्त टके हुए थे यार। हाँ भाई तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। कॉपीराइट के कारण हमने जो वीडियो का
ओरिजिनल साउंड से। फाइनली दोस्तों हमने रूम ले लिया है हरिद्वार में, नाम ले लूँगा कौन सा होटल है, और अच्छा रूम है, हमें लमसम 2000 के बजट में हमें रूम मिला है विद एसी रूम, आप देख सकते हैं। मुझे एसी दिखाने में शर्म से आती है, बट जैसा भी है चलो ठीक है, क्योंकि हमें रात गुजारनी है यहाँ पे। और ये हमारे अभी रात हो गई थी और इस वजह से ये हमारे प्रकाश भाई एसी ऑन करते हैं, एसी ने चिल्ड नहीं किया है बट फिर भी इन्होंने अपने कपड़े पूरे उतार दिए इस उम्मीद में कि ये काफी जल्दी ठंडा करेगा। और ये हमारे टमटा भाई देखिए, ये फुल मजा लेना चाहते हैं एसी का। और इन्हीं के कहने पे हमने ये रूम ढूंढा है, और काफी एक्चुअली में क्या कि हमें टाइम बहुत हो चुका है, 9 बज चुके हैं, तो ये समय ऐसा है जो 15 मिलना मुश्किल है, बट काफी ढूंढ ढाल के एक्चुअली में क्या है कि हरिद्वार में आओगे तो कार पार्किंग जो है ना आसानी से नहीं मिल पाती। अगर आप रूम देखते हैं, अगर आप रूम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप अपनी कार के साथ अपनी गाड़ी के साथ हैं तो आपको पार्किंग ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यही रीजन है थोड़ा हमें टाइम लग गया, बट जैसा भी अच्छा है दोस्तों। चलिए रूम लेने के बाद थोड़ा हम रिलैक्स करेंगे यहाँ पे, थोड़ा बैठेंगे और इसके बाद हम निकलेंगे हरिद्वार, विजिट करेंगे, आपको घुमाएंगे कि नाइट में कैसा माहौल है हरिद्वार का। और तो बोलो भाई, हाँ भाई, हाँ जी, काफी मजा आ रहा है, रूम काफी अच्छा है, एसी काफी चिल्ड है, हमने अभी इसको ऑन किए 2 मिनट हो रहे हैं पर काफी कमरा काफी कूल हो गया है, चिल हो गया है ना, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है। हरिद्वार में इससे बेस्ट मुझे लगता है कहीं भी नहीं मिलेगा, कम बजट में, 2000 के बजट में यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ तो देख लिए, 2000 के बजट में, नाम मिलूंगा होटल का क्योंकि मुझे होटल की पब्लिसिटी नहीं करनी है, और बस थोड़ा सा टाइम पास। तो चलिए आपको दिखाते हैं हरिद्वार में नाइट का माहौल कैसा है, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप वीडियो पे बने रहें। एक बार बताओ मुझे, मैं कमता जी को बिहारी गाने क्यों पसंद है? अरे देखो भैया, माया नगरी में आए हैं, हरि की नगरी है, भोले के भगत हैं हम, और देखो माया यहाँ ऐसी लगती है कि 2 मिनट में अभी अच्छा भला मौसम, और देखो आप बारिश की बौछार के साथ हमारा स्वागत हो रहा है, क्या कह सकते हैं। तो अभी इसलिए इस क्षेत्र को मानस खंड में, स्कंद पुराण के मानस खंड के केदार खंड में इसको माया क्षेत्र कहा गया है, माया ये माया का द्वार है, इस क्षेत्र में पहले माया जंगल हुआ करता था, माया जंगल, अच्छा माया क्षेत्र, हाँ, और माया क्षेत्र में ये हरिद्वार बसा है, हरि की नगरी बसी है, और ये तीनों चारों धामों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और बहुत माना जाता है यहाँ से देहरादून को मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है, और ऋषिकेश योग नगरी जहाँ की योग की नहीं एक 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 चीज है, यहाँ का योग विश्व में प्रसिद्ध है, 21 जून को हमारा विश्व योग दिवस होता है, जिसकी शुरुआत हमारे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से शुरुआत की गई थी, और अंत में मैं कुछ ना कह के बस इस माया नगरी की जय बोले, जय बोले क्या लग निरंजन। तो ये देखो आप हरिद्वार की जो जी, आप हमारे मित्र भी ले सकते हैं, सवाल करें हम जवाब देंगे, हर की पौड़ी है जो हरिद्वार की जी, आप वहाँ के समीप पहुँचने के बाद जो यहाँ शिव मूर्ति लगी हो कितनी, आप तुरंत वापस आ गए, तो मैं आपको हर की पौड़ी के बताने हर की पौड़ी के बारे में बताना चाहूँगा कि हर की पौड़ी का निर्माण अकबर के मंत्री श्री मान सिंह ने करवाया था। चलिए ठीक है, नहीं और उस समय जब अकबर ने गंगा जी का स्रोत ढूंढने के लिए हरिद्वार से ऊपर गढ़वाल को रूप देखा, अपना राजदूत भेजे थे अपने गंगा का स्रोत ढूंढने के लिए, उस समय पर गढ़वाल के एकमात्र राजा पवार शासक जगत, हाँ शाह ने, जगतपाल ने, हाँ
सहजपाल ने, सॉरी सहजपाल, हाँ पवार शासक के सहजपाल राजा ने जो नहीं देखो के हमारे गढ़वाल के राजा थे, उन्होंने उनके दल को रोका। अरे वो छोड़ो, तुम ये बताओ ये जो शिव मंदिर है उसकी कितनी ऊंचाई है मूर्ति की? नहीं देखो हमें हमें उससे कोई मतलब नहीं। देखो भैया ऊंचाई हमारे शिव प्रभु की कोई नहीं नाप सकता है। सही बात है, क्योंकि अनंत है, अनंत है, अनादिकाल है, मापा नहीं जा सकता। हरिद्वार हरी तो हरि के धाम प्रभु अलग निरंजन हर हर महादेव। देखिए आप हरकीपौड़ी पहुंचने के बाद वापस आ रहे हैं जी हाँ, तो आखिर क्यों? देखिए हमारा जाना चाहूंगा, अगर आप हरि के धाम हरकीपौड़ी में आए हैं, आप अगर एक पर्यटक की वेशभूषा में यहाँ पहुंचे हैं हाँ, तो पर्यटक के तरह यहाँ घूमे खेले इंजॉय करें हाँ, और यहाँ कूड़ेदान का यूज करें, गंदगी ना फैलाएं, बोतलें ना करें। ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ इस देवभूमि को देवभूमि रहने दिए, अपनी पार्टी का अड्डा ना बनाइए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, प्लास्टिक कचरा कूड़े में दान में फेंक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हम इन बातों से सहमत हैं, और अभी तो समय काफ़ी हो चुका है जी हाँ, हम आपसे मॉर्निंग सुबह में बात करेंगे इस मुद्दे पे। तो चलिए दोस्तों आपको मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे प्रभु के धाम को, तो चलिए मिलते हैं आपको सुबह के। उन्होंने कहा भैया टीका लगवा लो, और टीका लगवाने के लिए उन्हें हमने दक्षिणा दिया 101 रुपए, और 101 रुपए के तीनों का जोड़ के बता दो।